अच्छा जी, वेरियंस एनालिसिस पे हमारी डिस्कशन हो रही थी और कल हमने प्राइमरली मिक्स एंड यील्ड वेरियंसेस पे डिस्कशन को क्लोज किया था। क्वेश्चन नंबर वन हम आखिर में देख रहे थे और इसमें आपके साथ मिक्स एंड यील्ड वेरियंसेस तो डिस्कस हो गए थे अलॉन्ग विद प्राइस वेरियंस। आपसे जो होम असाइनमेंट में आपको दिया गया था दैट वाज कैलकुलेटिंग लेबर एंड ओवरहेड वेरियंसेस। तो कोई इशू जी कल के लेक्चर से असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आई हो वेरियंसेस कैलकुलेट करने में? जी बेटा, किस वेरियंस में डिफरेंस है आपका? एफिशिएंसी वेरियंस में आप कह रही हैं कि आपका लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस आपका टैली नहीं करता। तो लेबर एफिशिएंसी वेरियंस की कैलकुलेशन जरा देख लेते हैं कैसे की जाती है। लेट मी ट्राई। हम क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए टू में लेबर एफिशिएंसी वेरियंस की बात करते हैं। तो लेबर एफिशिएंसी वेरियंस का फार्मूला सबसे पहले लाएंगे हम, वो होता है जी आपका एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स आपको क्वेश्चन में रेडिली उसने बताए हुए हैं जो लगे हुए आपके 11,780 हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो जनाब एक्चुअल प्रोडक्शन आपने कितनी की थी कल डिटरमिन की थी आपने? 15,500। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट इज 0.8, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने बने? 12,400। और स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल है आपके पास, नॉट रेडिली विद स्लाइट एफर्ट, ये स्टैंडर्ड रेट है। क्या गड़बड़? उनका सेपरेट नहीं बेटा, एक्स और जी तो रॉ मटेरियल है, एक्स और जी रॉ मटेरियल है, लेबर वेरियंस तो प्रोडक्ट के बनाने में जो लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे ना जी। एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल कल के होम असाइनमेंट से या कल के लेक्चर से? अच्छा जी, थोड़ा आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने कल आपसे बताया था, आज हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे रिवर्स वेरियंसेस पे, उस पे आई जस्ट शेयर फ्यू कैलकुलेशंस विद यू। वी हैव मैनी इलस्ट्रेशन ऑन दिस एरिया, लेकिन मैं आपसे कुछ सिलेक्टेड जो इलस्ट्रेशन है वो शेयर करूंगा, बाकी इलस्ट्रेशन आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। रिवर्स वेरियंसेस की वर्किंग में जी, पहले सबसे इलस्ट्रेशन नंबर 35, इलस्ट्रेशन नंबर 35, 36, 38, 42, ये कुछ इलस्ट्रेशन हम करेंगे आज क्लास में। इलस्ट्रेशन 35 है जी पेज 454 की बॉटम पे। द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट जी इज 40, मटीरियल कॉस्ट इज 40, कंसिस्टिंग ऑफ 8 kg एंड 5 rupees पर kg। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। ड्यूरिंग वन पीरियड 1250 kg ऑफ मटीरियल वर परचेस्ड एंड द डायरेक्ट मटीरियल प्राइस वेरियंस वॉज ₹500 एडवर्स। कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल परचेज इन द पीरियड। अच्छा जी, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि एक्चुअल कॉस्ट मटीरियल की आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको मटीरियल की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या डेटा चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल क्वांटिटी उसने दी हुई है कि 1250 kg ऑफ मटीरियल परचेज, ठीक है जी, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विल अज्यूम यही परचेज हुआ, यही यूज हुआ। तो हम 1250 kg क्वांटिटी तो ले ली, अब आगे बात एक्चुअल प्राइस की। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस है और प्राइस वेरियंस गिवन है, ठीक है। तो अब प्राइस वेरियंस के फार्मूला से आप एक्चुअल प्राइस डिटरमिन करेंगे। अच्छा, अब यहां पर थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। मैं वर्किंग वन से प्राइस वेरियंस का फार्मूला लिखूंगा और वहां से एक्चुअल प्राइस में डिटरमिन कर लूंगा मटीरियल प्राइस वेरियंस। अभी तक तो जो मैं आपसे बात करता रहा कि भाई प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला आप एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस करो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करो, डज नॉट मैटर। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यह है प्राइस वेरियंस का मामला। तो हम एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड करें, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करें, मैटर नहीं करता क्योंकि हमें प्लस माइनस साइन तो नहीं लगाना। लेकिन इस केस में हमें इक्वेशन बना के इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि हमें मटीरियल वेरियंस की वैल्यू गिवन है वो हम फीड करेंगे
और इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जब आपको इक्वेशन बनानी है तो फिर साइंस का ख्याल रखना पड़ता है आपको, ठीक है। और अब यहां पे ख्याल बड़ा थोड़ा सा रखना है आपको, वो ख्याल क्या रखना है कि हमें पता है जी प्राइस वेरियंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस होता है, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे पता है मल्टीप्लाई तो एक्चुअल क्वांटिटी होना, उसमें मसला कोई नहीं। यहां पे सिर्फ मैंने ख्याल क्या करना है कि हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये फार्मूला बनाना है। प्राइस वेरियंस एडवर्स का मतलब क्या है कि हायर वैल्यू कौन सी, एक्चुअल या स्टैंडर्ड, एक्चुअल। तो बस मैंने ये ख्याल रखना है, क्योंकि प्राइस वेरियंस एडवर्स है तो मैं यहां पे एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस रखूंगा, ताकि मुझे प्लस माइनस संख्या झंझट में ना पड़ना पड़े ना, ठीक हो गया। क्योंकि एडवर्स प्राइस वेरियंस लाना है, तो एडवर्स प्राइस वेरियंस कब आता है, जब एक्चुअल प्राइस हायर होती है। तो मैं फार्मूला लिखते हुए मुहतात रहूंगा यहां पे रिवर्स वेरियंसिस में, तो ये एक थोड़ा सा ख्याल रखना है यहां पे। तो जना वैल्यू फीड करते हैं, 500 एडवर्स है, क्योंकि इक्वेशन में तो साइन ही ना चलेगा इक्वेशन सॉल्व करते हुए। एक्चुअल प्राइस मुझे डिटरमिन करनी है, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज गिवन एज 5, एक्चुअल क्वांटिटी 1250। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्चुअल प्राइस। जी जनाब, एक्चुअल प्राइस यहां से निकालिए क्या आती है, 4.5.42। कैलकुलेशन वेरीफाई कीजिए, 5.42 एक्चुअल प्राइस आ गई। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5.42 एक्चुअल कॉस्ट आपके पास आ गई जो रिक्वायर्ड थी, 6775 रुपीस। दैट्स इट। ये है जी रिवर्स वेरियंसिस का पहला सबसे सिंपल केस आपसे डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट यही रहेगा रिवर्स वेरियंसिस में। आपको बेस देखनी है, उस बेस में कोई एक मिसिंग वैल्यू होगी जो वेरियंस के फार्मूला से की मदद से आपने हल करनी होगी, वेरियंस की वैल्यू आपको दी जाएगी। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं जी एक और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 36। कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द पीरियड। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 42, 12 केजी क्वांटिटी स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर मेड, द डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरियंस वॉज 1260 फेवरेबल। हमसे एक्चुअल क्वांटिटी मांगी गई है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज तो यूजेज वेरियंस के फार्मूला में सीधी आ रही होती है, ठीक है। यूजेज वेरियंस के फार्मूला में देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस यही होता है ना, यूजेज वेरियंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमें यूजेज वेरियंस का फार्मूला लाना है और उसको हल कर लेना है, यूजेज वेरियंस की वैल्यू तो हमें गिवन है। तो हमने कहा जी इलस्ट्रेशन 36 हमारी डायरेक्ट यूजेज वेरियंस के फार्मूला से हल होने वाली है। हम मटेरियल यूजेज वेरियंस लाते हैं जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होना है। अब यहां पे फिर ख्याल रखना है कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी करें या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करें। लुक एट द वेरियंस, वेरियंस इज फेवरेबल। फेवरेबल वेरियंस का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये हम फार्मूला बनाएंगे, ठीक हो गया। तो पुटिंग इन द वैल्यूज, यूजेज वेरियंस इज 1260, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इट इज नॉट गिवन बट वी कैन कैलकुलेट इट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इज 400 यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12 केजी, इट कम्स टू 4800। तो ये जनाब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी आपको स्टार्ट आउट करनी है और स्टैंडर्ड रेट आपको मटेरियल का गिवन है 3.5। सॉल्व इट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, 4440 kgs लीजिए जी। रिवर्स वेरियंसिस की एक और इलस्ट्रेशन, बेसिक इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास इलस्ट्रेशन 38 हमारे प्लान में, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 38। तो जनाब इलस्ट्रेशन 38 पे आइए। इन अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम द स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के
is 72. It represents 6 hours, 12 per hour. ये जी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है 6 पर आवर और सर 12 पर आवर और 6 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट बनाने में, तो 12 पर आवर इंटू 6 72 पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ गई। द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द पीरियड वॉज 10,000 यूनिट्स, द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस वॉज 25,200 फेवरेबल। कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के दैट वॉज प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम वेरियंस की मदद से एक्चुअल क्वांटिटी डिटर्मिन करनी है। वॉल्यूम वेरियंस किन दो वैल्यूज का डिफरेंस होता है, डायग्राम देन में लाइए, बजटेड एफएच एंड एब्जॉर्ब्ड एफएच। बिल्कुल ठीक है जी, बजटेड एफएच और एब्जॉर्ब्ड एफएच इनका डिफरेंस होता है जो फेवरेबल, जो वॉल्यूम वेरियंस होता है। और वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल का मतलब क्या है, बजटेड ओवरहेड में बजटेड प्रोडक्शन यूज होती है और एब्जॉर्ब्ड एफएच में एक्चुअल प्रोडक्शन यूज होती है। वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल कब होगा, जब एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा होती है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा होती है, सो फेवरेबल वॉल्यूम वेरियंस तब आएगा जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा होंगे। ठीक है, हमारा फार्मूला मैं अगर आपके सामने लेके आऊं तो डायग्राम के मुताबिक एक्चुअल बजटेड एब्जॉर्ब्ड और बजटेड ओवरहेड के बारे में आपको पता है, बजटेड ओवरहेड आपके होते हैं बजटेड प्रोडक्शन इनटू ओएआर पर यूनिट, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं आपके एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओएआर पर यूनिट। और फेवरेबल वेरियंस का मतलब है एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा है, ओएआर तो कॉमन है, तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा है। तो आप यहां पे जो इक्वेशन भी भरेगी आपकी, आपकी जो इक्वेशन बनती है दैट विल बी एफओएच वॉल्यूम वेरियंस इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एफओएच माइनस बजटेड एफओएच। ये आप इक्वेशन लिखेंगे, ये पूरी, ये पूरा थॉट प्रोसेस था, ये हमारा ये थॉट प्रोसेस था, सवाल हमारा यहां से इसका जवाब शुरू हो रहा है। तो जी वॉल्यूम वेरियंस हमें गिवन है 25,200, हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स चाहिए, वो आती है जी एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ये है ना रिक्वायरमेंट हमारी, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रुपीज 72 पर यूनिट माइनस बजटेड प्रोडक्शन गिवन है क्वेश्चन में 10,000 इनटू 72 पर यूनिट। लीजिए जी सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वन डबल जीरो 3,535 यूनिट्स लगता नहीं, 10,350 जी ना एक्चुअल प्रोडक्शन। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला जाकर फिगर लिखा करो, जरा थोड़ा सा उसका रीजनेबल टेस्ट लगा लिया करो, दिस फिगर वाज नॉट लुकिंग रीजनेबल टू मी, कीपिंग इन विद द वेरियंस फिगर रीजनेबल नहीं लग रही थी। मैथमेटिकली जरा एक और अंदाज से देखना जरा ये इस वेरियंस को, 72 कॉमन है ना यहाँ पे, मैथमेटिकली इस वेरियंस के और अंदाज से भी देखा जा सकता है, 72 कॉमन निकालो, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू ओएआर, तो मैं इसको इस अंदाज से देख रहा था 35 इनटू 72, ये तो 25,000 नहीं बनता, एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन डिफरेंस 35 निकाल रहे थे ना आप मुझे दे रहे थे जो फिगर, तो 35 इनटू 72 तो 25,000 नहीं बन रहा था, लेकिन नाउ 350 इनटू 72 करेंगे तो 25,200 शायद बन रहा होगा। मैथमेटिक्स है, इसको समझ के चलिएगा। अच्छा जी, अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन इसकी देखते हैं, फिर आगे हम मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 42,
इलस्ट्रेशन 42 में देखते हैं जी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा लग रही है। दो रिक्वायरमेंट है इसकी जी, एक वो कहता है जी एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बताओ और दूसरा कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम बताओ। सवाल पढ़ते हैं जी, बिजनेस हैज बजटेड टू प्रोड्यूस एंड सेल 5000 यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन ऑफ इट सिंगल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज, मटीरियल 1.5 रुपीज पर यूनिट, लेबर 1.2 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 1 पर यूनिट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 0.8। ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग वेरियंसिस अकर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस 600 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 1800 फेवरेबल, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द पीरियड। अच्छा जी, पहले एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को देखें। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारा किस वेरियंस के फॉर्मूले में यूज होता है? एक्चुअल फिक्स एक्सपेंडिचर वेरियंस के फॉर्मूला में यूज होता है ना। एक्सपेंडिचर वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस, एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस। तो जनाब एडवर्स का मतलब क्या है? एक्चुअल बजटेड से ज्यादा है। एक्सपेंडिचर वेरियंस एडवर्स का मतलब एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा है। तो हम जनाब पार्ट ए के लिए FOH एक्सपेंडिचर वेरियंस की इक्वेशन बनाएंगे और हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू एक्चुअल FOH माइनस बजटेड FOH, ये इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर वेरियंस 600 है, एक्चुअल FOH हमें डिटरमिन करना है और बजटेड FOH होता है बजटेड प्रोडक्शन इंटू OAR पर यूनिट। ठीक हो गया जी, तो सॉल्व इट फॉर एक्चुअल FOH, इट इज रुपीज 4600। ये हमारे बजटेड FOH आ रहे हैं, बजटेड प्रोडक्शन इंटू ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट। एक्चुअल FOH आ गया हमारे पास जी। पार्ट बी में हमसे एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम मांगा गया, बिल्कुल पिछले इलस्ट्रेशन की तरह। एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में यूज होता है और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारा वॉल्यूम वेरियंस की कैलकुलेशन में यूज होता है। वॉल्यूम वेरियंस हमें यहां पे गिवन है, वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल। वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल का मतलब क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम वेरियंस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड का डिफरेंस है, सारी वही कैलकुलेशन है। इन दोनों का डिफरेंस वॉल्यूम वेरियंस है, ये रिपीट हो रही है एक्टिविटी। वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज। एग्जैक्टली यही इक्वेशन हमारी यूज होने वाली है। पार्ट बी में हमारी वॉल्यूम वेरियंस की इक्वेशन यूज होगी, इसमें वैल्यूज फीड करेंगे। वॉल्यूम वेरियंस हमारा गिवन है जी 1800, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारे होते हैं जी एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू OAR पर यूनिट विच इज 0.8। बजटेड ओवरहेड हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी हमने यहां पे ये कैलकुलेट की हुई बजटेड ओवरहेड्स की, ठीक है। तो बजटेड ओवरहेड्स हमारे हैं 4000, ये मैंने इसको यहां से ही डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेट करके फीड कर दिया। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यूनिट्स जनाब, वॉल्यूम वेरियंस की मदद से हमने एक्चुअल वॉल्यूम डिटरमिन किया। तो रिवर्स वेरियंसेस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमें एक वेरियंस की वैल्यू दी जाती है और वेरियंस की कैलकुलेशन में जो फिगर यूज की जा रही है उस फिगर को वर्कआउट करना होता है। हमें सिर्फ ख्याल ये रखना होता है इक्वेशन वेरियंस की लाते हुए हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं। वैल्यू कौन सी हायर होगी वेरियंस फार्मूला में, वो फेवरेबल या एडवर्स के साइन से हमें पता लगती है। नॉर्मल वेरियंस कैलकुलेशन में हम तो यहां पे फेवरेबल या एडवर्स का साइन लगा देते हैं, लेकिन जब एज इक्वेशन सॉल्व करना है तो फेवरेबल एडवर्स साइन नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जब मैंने फिगर ये पॉजिटिव यहां लिखी हुई है तो मैं फार्मूला ऐसे लिखता हूं कि आंसर पॉजिटिव ही बन रहा हो। जैसे इस केस में एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर ज्यादा होंगे तभी वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल आता है। तो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स मैंने इक्वेशन ऐसे लिखी, अदरवाइज वेरियंस कैलकुलेट करते हुए मैं इसको बजटेड माइनस FOH भी लिख, बजटेड माइनस अब्सॉर्ब लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यहां पे फिर F का साइन लगा देता था। लेकिन अभी मैंने F का साइन नहीं लगाना, इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मुझे इसको ख्याल करना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हिसाब से चलना पड़ता है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, वेरियंसेस आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं
तो वेरियंसिस की रिपोर्टिंग का मामला आता है, वेरियंसिस को रिपोर्ट करने का मामला आता है। वेरियंसिस को रिपोर्ट किया जाता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की शेप में। ये एक सिर्फ फॉर्मेट है जो आपको देखना है, इसमें आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग टू डिस्कस। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? इट स्टार्ट विद बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? बजटेड सेल्स इन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट का कॉन्सेप्ट हमने सेल्स वॉल्यूम वेरियंस में भी यूज किया था। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, ठीक है। सो बजटेड सेल्स इन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, वही स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट जो हमने सेल्स वॉल्यूम वेरियंस में यूज किया था, आपका बजटेड प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है जी। बजटेड प्रॉफिट आ गया, इसमें आप फिर प्राइस वेरियंस और प्रॉफिट वॉल्यूम वेरियंस एडजस्ट करते हैं। अगर वेरियंस फेवरेबल है तो ऐड होगा, अगर वेरियंस एडवर्स है तो लेस होगा। हमने शुरू होने हैं बजटेड प्रॉफिट से और ये स्टेटमेंट खत्म होती है एक्चुअल प्रॉफिट पे। बजटेड प्रॉफिट से शुरू होके एक्चुअल प्रॉफिट पे खत्म हो रही है, और हमने जो सारे वेरियंसेस कैलकुलेट किए हैं वो वेरियंसेस हमें बता रहे होते हैं कि हमारी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आया, हमारी रेवेन्यू में डिफरेंस किया था, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया। तो हम सारे वेरियंसेस जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये देखिए, प्राइस वेरियंस, वॉल्यूम वेरियंस, प्राइस वेरियंस, यूजेज वेरियंस, रेट वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस, आइडल टाइम वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, ये सारे वेरियंस हमने कैलकुलेट करने सीखे हैं। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आप बजटेड प्रॉफिट से बात शुरू करोगे, पहले सेल्स वेरियंसिस को एडजस्ट करोगे, फेवरेबल वेरियंस है तो ऐड करते हैं, क्योंकि फेवरेबल वेरियंस का मतलब क्या है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बजट से ज्यादा है, और एडवर्स वेरियंस का मतलब क्या है कि एक्चुअल प्रॉफिट बजट से कम है। तो बजटेड प्रॉफिट से हम शुरू करते हैं, फेवरेबल वेरियंस ऐड किया, एडवर्स माइनस किया, सेल्स के वेरियंस एडजस्ट करके पहले सब टोटल दे देते हैं, फिर सारे कॉस्ट के वेरियंस यहां पे समराइज कर देते हैं। ये सारे वेरियंस हमें कैलकुलेट करने आते हैं, फेवरेबल है तो इस कॉलम में डाल दो, एडवर्स है तो इस कॉलम में डाल दो, फेवरेबल का टोटल, एडवर्स का टोटल, नेट, इन दोनों का जो नेट है वो आगे ले आओ, नेट फेवरेबल एडवर्स है तो फेवरेबल होगा नेट, ऐड हो जाएगा, नेट एडवर्स होगा लेस हो जाएगा। तो जनाब आप यहां से एक्चुअल प्रॉफिट पहुंचते हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन में भी अगर आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अगर 15 नंबर का सवाल है तो 15 में से 13 नंबर वेरियंसिस की कैलकुलेशन के, सिर्फ 2 नंबर होंगे उसको स्टेटमेंट में डालने, क्योंकि स्टेटमेंट में डालने में तो फॉर्मेट में से पिट करें ना फिगर, असल तो कॉन्सेप्ट आपका वेरियंसिस की कैलकुलेशन में यूज हुआ है। तो एग्जामिनर आपसे वेरियंसिस कैलकुलेट करवाएगा एंड वो आपको कह सकता है कि इसको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में भी डाल दो। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है पुरानी स्कीमों में हमारे सिलेबस में होती थी, फिर 14-15 में आपकी जब स्कीम बदली इसको उन्होंने माइनस कर दिया, और ये मुझे लगता है नई स्कीम में आके इन्होंने फिर ऐड किया। तो ये आप कह सकते हैं कि सिलेबस में कुछ अर्से 11 हजार रहने के बाद, 4-5 साल 11 हजार रहने के बाद वापस आई है, बट इसमें कोई लर्निंग या डिस्कशन वाली बात नहीं है। जो डिस्कशन की बात थी वो वेरियंसिस में थी, इसमें सिर्फ आपने वेरियंसिस को प्लस माइनस करके रिकनसाइल करना है। इस स्टेटमेंट में आप बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकनसाइल कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियंसिस। और अगर प्रॉफिट रिकनसिलेशन में फर्क रह गया है तो शायद चांसेस है कि आपको कोई वेरियंस गलत हुआ होगा या आपने प्रॉफिट की फिगर गलत कैलकुलेट की होगी। बट अगेन, अगर एग्जाम में रिकनसाइल नहीं हुआ आपका तो टेंशन की बात नहीं है, मेजर मार्क्स आपके वेरियंसिस के ही हैं। और अगर रिकनसिलेशन में फर्क रह गया तो आपके शायद कहीं पीछे कोई 1-2 नंबर का वेरियंस कोई गलत हो चुका है, जिसके पीछे आप इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे तो इट मे नॉट बी वर्थ इट कि आप एक वेरियंस की गलती ढूंढने के लिए 8 वेरियंसिस को रिव्यू करने जाएं। हाँ, इसमें यह ख्याल रखिएगा अगर वो गलती हो जाती है, फॉर दैट टाइम आप सवाल कंप्लीट करके आगे चले जाते हो। पेपर कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचे फिर आप पीछे आओ, फिर देख लेना, गलती ढूंढने का टाइम है तो ढूंढ लेना, और उसको ठीक करने का टाइम है तो ठीक भी कर देना। लेकिन चलते हुए पेपर में आपको लगा कोई गलती होगी, उसको ढूंढने चले जाओगे तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, उससे बड़ी गलती नहीं होती, उसके बाद फिर आप पेपर से पास नहीं कर सकते। चलते हुए पेपर में अगर गलती हुई है 2-4 सेकंड में ठीक कर सकते हो, कर लो, लेकिन लग रहा है 10 मिनट लगेंगे इसको ठीक करने में, ढूंढने में, छोड़ दो, क्योंकि गलती तो 2 नंबर की है या 1 नंबर की है, उसके पीछे 10 मिनट क्यों लगाना, 10 सेकंड में ठीक हो सकती है, रेक्टिफाई हो सकती, करो, नहीं तो आगे चलते रहो, पेपर कंप्लीट कर लो। पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर टाइम हो तो गलती ठीक करने जरूर आना। तो ये जनाब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट। एक इलस्ट्रेशन आपके पास अवेलेबल है, ये आप होम असाइनमेंट में कीजिएगा, बेसिक वेरियंसिस की सारी रिवीजन हो जाएगी आपकी, और फॉर्मेट में इनको प्लेस करना वो भी एक हाथ से गुजर जाएगा, इट इज रिकमेंडेड, हाथ से गुजारो आप अपने। अच्छा जी, फिर ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत आती है। अगेन वी हैव टू लर्न द फॉर्मेट ओनली। वेरियंसिस सारे वही जो हमने कैलकुलेट किए हैं,
इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बजटेड कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बजटेड कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट एक्चुअल प्रॉफिट ही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुरू हुई थी बजटेड प्रॉफिट से, खत्म हुई थी एक्चुअल प्रॉफिट पे। ये शुरू होती है बजटेड कंट्रीब्यूशन से, खत्म होती है ये भी एक्चुअल प्रॉफिट पे। एडजस्टमेंट इसमें वेरियंसिस की है जी भाई, देखते जाओ जरा। सेल प्राइस वेरियंस, वॉल्यूम वेरियंस, हमें कैलकुलेट करना आते हैं ये वेरियंसिस, ठीक है जी। वही तरीका है, फेवरेबल है तो ऐड कर देना, एडवर्स है तो माइनस कर देना। इसके बाद कॉस्ट वेरियंसिस लाते हैं। अच्छा, इसमें जो यहां पे चीज मैंने नहीं की हुई, हाँ आपके मैंने किताब में ठीक कर दी हुई है, यहां पे मुझे टाइपो रह गया। ये वेरिएबल कॉस्ट वेरियंसिस आते हैं सिर्फ, ठीक है। किताब में आपके फॉर्मेट में ठीक कर दिया गया है, ये स्लाइड में मुझे अपडेट करना याद नहीं रहा। ये वेरिएबल कॉस्ट वेरियंसिस है, अच्छा जी। वेरिएबल कॉस्ट वेरियंसिस देखिए, उसी अंदाज में मटेरियल के वेरियंसिस, लेबर के वेरियंसिस, वेरिएबल ओवरहेड के वेरियंसिस, फेवरेबल है तो उधर डालिए, एडवर्स है तो उधर डालिए, टोटल कीजिए, नेट कीजिए, इधर एक्सटेंड कर दीजिए। इसके बाद यहां पे आपको मिलती है फिगर एक्चुअल प्रॉफिट की। बल्कि मुझे लगता है इसमें मैंने कुछ और चेंज भी किया, मैं इसको यहां से डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको उसको स्लाइड से यहां से डिस्कस करता हूं जी। ये स्लाइड में अपडेट करना भूल गया, ये जी। अच्छा जी, तो यहां पे आपको मिलता है जी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आपको मिला, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है जी। लेकिन स्टेटमेंट में आप कैसे दिखाते हो, आपने चूंकि फिक्स्ड ओवरहेड का वेरियंस भी तो दिखाना है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और इसमें एक्सपेंडिचर वेरियंस एडजस्ट करके फिर आप ये जो फिगर है एक्चुअल FOH इस पर पहुंचते हैं। क्योंकि हमने क्या लिखा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया ऊपर से, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल ओवरहेड लेस करने हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लेस करने हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्ट बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस माइनस एक्सपेंडिचर वेरियंस। ये जनाब आपका वेरियंस भी एडजस्ट हो जाता है यहां पे, तो ये आपकी एक्चुअल एफओएच की फिगर आ जाती है। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल एफओएच एक्चुअल प्रॉफिट पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सारे वेरियंसिस आपको कैलकुलेट करने आते हैं, कोई भी ऐसा वेरियंस नहीं है जो हमने कैलकुलेट नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग देम इनटू अ फॉर्मेट। बजटेड कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, बजटेड सेल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कॉन्सेप्ट भी हमने सेल वॉल्यूम वेरियंस में यूज किया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्राइस वेरियंस एडजस्ट किए, फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस एडजस्ट किए, आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे पहुंचे। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से आपने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, लेकिन एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ऐसे रहती है, ताकि आप फिक्स ओवरहेड का वेरियंस भी शो कर सको। बजटेड ओवरहेड्स में प्लस माइनस करो एक्सपेंडिचर वेरियंस, तो क्या आ जाता है, एक्चुअल ओवरहेड। क्योंकि बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस क्या होता है, बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर वेरियंस। तो यही तो हम यहां दिखा रहे हैं कि भाई बजटेड ओवरहेड मेरे पास पता है, अगर एक्सपेंडिचर वेरियंस उसमें मैं एडजस्ट करूं तो एक्चुअल ओवरहेड आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट हम यहां से एक्चुअल ओवरहेड माइनस नहीं करेंगे, इसमें से डायरेक्ट एक्चुअल ओवरहेड माइनस किए तो ये फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस स्टेटमेंट से ओमिट हो जाएगा। हमें करना तो यही है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लेस एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन डायरेक्टली हम एक्चुअल ओवरहेड इसमें माइनस नहीं करते, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर वेरियंस भी तो रिपोर्ट करना है ना, तो उसके लिए हम फिर इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं। सो जस्ट इट इज जस्ट अ फॉर्मेट जो कि आपको देखना है। इसमें भी आपका इलस्ट्रेशन 46 है, इसको रिव्यू कर लीजिएगा। इसमें भी वेरियंसिस की कैलकुलेशन है और प्रेजेंटेशन है, तो एक तो आपके हाथ से गुजर जाएगी, मोर देन एनफ है। चूंकि मुझे लगता है कि आपको पास पेपर में इसकी रिवीजन शायद ना मिले, क्योंकि रीसेंट पास पेपर में पिछले 5-7 सालों में फरीक और तो शायद ही सवाल हमें मिले, हो सकता है क्वेश्चन बैंक में कोई पुराना सवाल हमें मिल जाए, लेकिन चांसेस कम है। तो इसलिए यही एक एक इलस्ट्रेशन जो आपको दी गई है, इश्यू को अपने हाथ से एक तो आज गुजार लीजिएगा, एक तो आज से 15-20 दिन बाद गुजार लीजिएगा, एक तो एग्जाम से पहले रिव्यू कर लीजिएगा, हाथ से गुजारने की जरूरत ना पड़े दोस्तों आपने किया हो तो। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट विच यू नीड टू मेमोराइज। इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस सारी वेरियंसिस की कैलकुलेशन में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज जस्ट पुटिंग वेरियंसिस इन अ फॉर्मेट। जी कोई सवाल, वॉल्यूम में बेटा आपको बताया गया था सिर्फ एक वेरियंस कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक वेरियंस कैलकुलेट किया जाता है। शायद आपने जाके देखा नहीं, काफी दिन हो गए उसको, सिर्फ एक वेरियंस कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का, एंड दैट इज एक्सपेंडिचर वेरियंस।
जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, क्वेश्चंस पे जाने का टाइम, पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास है जी अब क्वेश्चन नंबर टू, पेज 480 पे, पेज 480 पे क्वेश्चन नंबर टू। हेक्सा लिमिटेड, हेक्सा लिमिटेड हमारे एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट नेम है वेरिएंसेस के क्वेश्चन में। वेरिएंसेस के कई क्वेश्चन हमें हेक्सा लिमिटेड के नाम से मिलेंगे। इसके जी तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 16 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। रिकनसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरिएंसेस। ले जी, मैं गलत था जी, ये तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आ गई हमारी, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ऑपरेटिंग स्टेटमेंट क्या होती है? स्टार्ट होती है बजटेड कंट्रीब्यूशन से और एंड होती है एक्चुअल प्रॉफिट पे। इसने क्या लिखा हुआ है? रिकनसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव, ये जो प्रॉफिट निकाला ना, इसको रिकनसाइल करो एक्चुअल प्रॉफिट से। तो ये भी जरा ख्याल रखना है कि मक्खी पे मक्खी नहीं लगनी चाहिए, जैसे वो कह रहा है वैसे चलना है। ठीक है, ये जरा वर्ड मैंने आपको इसलिए कैप्चर कराया। और पार्ट सी है रिकनसाइल एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विद अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका मार्जिनल अब्सॉर्प्शन का जो चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग को प्रॉफिट अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिकनसाइल करना। तो एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, दो रिकनसिलेशन है, इस रिकनसिलेशन में वेरियंसिस की कैलकुलेशन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो सीखनी है बात, ये प्रॉफिट यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या मुराद है? प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग से मुराद क्या है? अच्छा, आपने इससे पहले अभी तक जो डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी हैं, एक हमने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें कोई मसला नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल प्राइसेस, एक्चुअल कॉस्ट को लेके आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल का तहत। फिर आपने एक बजटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पढ़ा हुआ है। हमने जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी, उसको हम वेरिएंसेस से लिंक करने आए, तो हमने कहा कि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्राइस जब सेट कर लेते हैं, फिर आप बजटेड एक्टिविटी डिटरमिन करते हैं, और बजटेड एक्टिविटी और स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्राइस का डाटा लेके आप बजटेड पीएनएल बना सकते हैं। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा लेके और बजटेड एक्टिविटी मतलब कितने प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स बेचेंगे आप, बजटेड पीएनएल बनाते हो। बजटेड पीएनएल साल के शुरू में बनता है ना भाई, एक्चुअल डाटा नहीं पता अभी हमने। हमने साल के शुरू में स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस सेट की, साल के शुरू में बजटेड प्रोडक्शन बजटेड सेल सेट की, और इन दोनों को मिला के बजटेड पीएनएल बन गया। लाइक स्टैंडर्ड प्राइस इंटू बजटेड सेल्स इज योर बजटेड रेवेन्यू, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू बजटेड प्रोडक्शन इज योर बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बजटेड क्लोजिंग स्टॉक। सो प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, एंड सो ऑन। सो ये बजटेड पीएनएल ऐसे बनता है। अब ये एक तीसरी कहानी है, ये जो पार्ट है ना, ये एक तीसरी कहानी है। इसने कहा है प्रॉफिट फॉर द मंथ यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जनाब ये तीसरी कहानी जो आई है, सवाल तो हम पढ़ते हैं अभी जाके, पहले इस कहानी को ऑब्जॉर्व कर लें कि प्रॉफिट यूजिंग, क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट ए में प्रॉफिट यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है यूज स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट बट एक्चुअल वॉल्यूम। उसने हमसे बजटेड प्रॉफिट नहीं कहा, अगर वो बजटेड प्रॉफिट कहता तो यहां पे बजटेड वॉल्यूम्स आ जाते। अगर वो कहता बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो बजटेड प्रॉफिट होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड वॉल्यूम्स। उसने कहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत। तो प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है कि कॉस्ट और प्राइस स्टैंडर्ड लेनी है, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं प्रोडक्शन के सेल्स के, वो आपने लेने हैं एक्चुअल। ठीक है, तो पहली तो ये चीज आपको समझनी है कि प्रॉफिट यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग से मुराद क्या है।
पीएनएल का फॉर्मेट तो वही रहेगा कि जी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, बट प्राइस और कॉस्ट का डाटा स्टैंडर्ड से आएगा, सिर्फ वॉल्यूम एक्चुअल आना है। तो अब जनाब हम पार्ट ए के रेफरेंस को पहले पढ़ लेते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और फिर पार्ट ए के रेफरेंसेस को सॉल्व करने चलेंगे। एक्सेल लिमिटेड इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, यूज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रही है, हमसे स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। यूजिंग स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर इट्स कॉस्ट, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का महीने से रिकॉर्ड से निकली है, मतलब ये एक्चुअल डाटा है। दिसंबर का महीना गुजर चुका है, उसके डाटा से एक्चुअल चीजें निकाली हैं। एक्चुअल एज वेल एज बजटेड सेल वॉज 10,500 यूनिट्स एट 2,000। मतलब ये एक्चुअल सेल्स भी यही है, बजटेड सेल्स भी यही है, मतलब वॉल्यूम भी और शायद प्राइस भी, क्योंकि सही लिखा ना, एक्चुअल एज वेल एज बजटेड सेल, ये दोनों हमने बजट भी यही किया था, एक्चुअल भी हासिल किया, बजट भी यही किया था, एक्चुअल भी हासिल किया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज मटेरियल 5 kg into 158, लेबर 3 into 150, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल मिला के है 120 पर लेबर आवर, 120 into 3 360। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक हो गया। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स वर, क्योंकि दिसंबर गुजर चुका है ना, तो इसलिए वर का वर्ड यूज किया उसने जी। बजटेड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो साल के शुरू में निकाला था, महीने के शुरू में निकाला था, क्योंकि दिस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बात हो रही है, वो 1.65 मिलियन था। प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट वर, ये एक्चुअल डाटा आ गया जी, बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बजटेड एक्चुअल दोनों दे दिए हैं, कॉस्ट एक्चुअल, प्रोडक्शन में बजटेड एक्चुअल दोनों है, कॉस्ट एक्चुअल है। वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड बाय 200,000। देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री वाज 1500 यूनिट। अच्छा, ये सारा डाटा आ गया और हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हम स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाएंगे। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना है। तो जनाब स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाने का तरीका मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल बनाना है जिसमें प्राइस और कॉस्ट स्टैंडर्ड होंगी, वॉल्यूम एक्चुअल होगा। तो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो हमारा पीएनएल यहां पर बनता हमें दिख रहा है पार्ट ए का, हमें रेवेन्यू चाहिए, इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहां से आएगी। अदर वेरिएबल कॉस्ट है इसके प्रोडक्शन के अलावा कोई जिक्र नहीं है। तो जनाब यहां से हमारी रुपीज में उसने सवाल हल किया हुआ, हम भी रुपीज में लेके चलते हैं। तो सेल्स में से ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स अब लेस कर देंगे तो हमें यहां पे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा जी, रेवेन्यू स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत रेवेन्यू बनाना है तो मैंने आपसे कहा यहां पे रेवेन्यू जो बनेगा एक्चुअल वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है जी, ये रेवेन्यू का तरीका रहेगा। ये चीज सिखाई ना आपको ऊपर कि प्राइस या कॉस्ट आएगी तो स्टैंडर्ड ले लेनी है, वॉल्यूम एक्चुअल लेना है। तो जनाब एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम हमारा कितना है 10,500 और स्टैंडर्ड प्राइस 2,000 ही है, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल बराबर ही है। तो बताइए आपका सेल्स रेवेन्यू यहां से कितना आया, 21 मिलियन। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वॉल्यूम लोगे लेंगे आप एक्चुअल, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में आपको बताया गया है नोट नंबर 4 टेबल की दूसरी लाइन 12,000। मल्टीप्लाई करना है इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, जो कि रेडीली अवेलेबल नहीं है, हमें एक वर्किंग के थ्रू लानी पड़ेगी इसको जी। हमें स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, वर्किंग 1, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए।
इसमें मटेरियल अवेलेबल है रेडीली 790, इसमें लेबर अवेलेबल है रेडीली 450, ओवरहेड्स में फिक्स भी शामिल है। तो भाई हमने तो सिर्फ वेरिएबल लेने हैं, तो उसने कहा जी ओवरहेड लेबर आवर की बेसिस पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, 3 लेबर आवर्स हैं। अब 3 लेबर आवर्स को अपने वेरिएबल ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई करना है, 120 रुपीज जो रेट है वो टोटल है। क्वेश्चन में दिया गया रेट आपको 120 पर लेबर आवर, वो फिक्स प्लस वेरिएबल है। तो हमें तो सिर्फ वेरिएबल चाहिए, क्या करें, टोटल में से फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाल दो, टोटल में से फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाल दो। तो टोटल में से फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालना है, तो फिक्स्ड ओवरहेड का अब्सॉर्प्शन रेट कैसे आता है, लेबर आवर बेसिस पे है ना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड लेबर आवर्स। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको गिवन है नोट नंबर 3 में 1650000, और बजटेड लेबर आवर्स आप बना लीजिए क्योंकि आपको बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल है और आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट अवेलेबल है नोट नंबर 2 में, लीजिए जी, बात होगी ठीक। टोटल ओवरहेड्स पर आवर है, ये फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर आ गए, रेट वेरिएबल का बन गया, इंटू 3 कीजिए, क्या बनती है वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट 210। लीजिए जी इनको सम कर लीजिए, ये आपकी वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 1450, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हमने कहा हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा चाहिए, एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 1450। तो जनाब एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 1450, जी क्या बनी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स 17.4 मिलियन। अब इसमें से 12,000 में से 10,500 आपने बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 1500। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करते हैं ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो 1500 इंटू 1450 इसी वैल्यू पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्या बना जी 2.175 मिलियन शायद, यही है जी। बताइए कितनी कॉस्ट बची, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनी 1500 लीजिए जी, कंट्रीब्यूशन बना लीजिए यहां से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 5775000। अब यहां पे फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, जिसका ऊपर हमने स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा लिया, फिक्स कॉस्ट भी यहां पे बजटेड ली जाती है। एक्चुअल तो कॉस्ट या रेवेन्यू कुछ आना ही नहीं है यहां पे, फिक्स कॉस्ट बजटेड हमारे पास अभी हमने यूज की थी 1650000 नोट नंबर 3 से। तो यहां से प्रॉफिट क्या बना 4125000। लीजिए जी, ये कहलाता है प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इसमें ये एक आपके लिए लर्निंग थी कि प्रॉफिट अंडर एक होता है एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करना। एक्चुअल प्रॉफिट में वॉल्यूम भी सारे एक्चुअल, कॉस्ट भी सारी एक्चुअल। दूसरा होता है बजटेड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करना। और ये तीसरी की है जिसमें हम वॉल्यूम भी बजटेड लेते हैं और कॉस्ट एंड प्राइस भी स्टैंडर्ड लेते हैं। ये तीसरा केस था जिसमें उसने कहा प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम एक्चुअल आते हैं लेकिन प्राइस एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड आती हैं। तो 3 तरीके हैं पीएनएल बनाने के अब इस सवाल के बाद आपके पास, तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अगर आपको सिर्फ पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कहे कुछ और है, अगर आपको बजटेड पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कहे बात कुछ और है, अगर पीएनएल अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग कहे तो बात कुछ और है, ठीक है। सो 3 तरीके से आप तो पीएनएल एग्जामिनर बनवा सकता है। तो जैसा उसने कहा हमने उस अंदाज में पीएनएल बना लिया। आज के इतना ही, पार्ट बी और सी इसका इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे ही रोकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे और इसमें हमने बी एंड सी हमने आउटस्टैंडिंग किया है आज। अस्सलाम वालेकुम।